Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 10 a.m. in the morning, and today we are going to talk about the polling process, what is happening in this process, and apart from that, today I'm gonna provide information regarding the appointment thing as well. अगर last week का जैसे मैंने आपको बताया था slots वगैरह open नहीं हुए थे, और अगर आप other categorization में आज check करें तो you can check from now, from Monday till Friday, if you are booking the appointment on study visa. And apart from that, if you are looking for the appointment in national other, and there is one more categorization, national dependent. अगर आपको इन categorization के अंदर appointment वगैरह book करना तो आप आज से check करें, Monday 9 to 5. Slots कभी भी open हो सकते हैं, और last week तक का तो खैर मैं कहता हूँ slots वगैरह इन लोगों ने release नहीं करें, but there might be possibility अभी क्या करते हैं, आने वाले time पर slots आपके open करते हैं. And apart from that, as I said in earlier videos as well, that there might be a possibility, there are chances of getting the appointment through email as well. There are few people, they got appointment through email for this particular study visa categorization. And apart from that, if I'll talk about this particular work permit ke bare mein agar baat kar rahe hain, to maine person ko ek email kiya tha, to email ka response aapko show kar deta hun. Un logon ne kya mention karke diya mere ko wahan se. To maine unko ek particular email mark karke bheja tha ki I'm looking for the appointment from last one year and I'm not getting the appointment. Ek aadhe saal se main bhi wait kar raha hun appointment ke liye aur appointment nahi mil raha, aur पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने बताया उनको, जो पहले प्रोसेस था VFS के पास था, उसमें अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे वो लोग बोलते थे कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तीन दिन वो लोग स्लॉट्स वगैरह ओपन करेंगे, बट अभी उसके बाद एम्बेसी में ट्रांसफर हुआ प्रोसेस, एंड देन स्टिल द प्रोसेस इज सेम, और अभी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. मैंने पूरा मेंशन करके बता रखा था उनको, और तो ट्वाइस गॉट दिस रिपोर्ट फ्रॉम द एंड दे मेंशन, डियर सर मैडम, एडिशनल स्लॉट्स आर रिलीज्ड एवरी वेंसडे बिटवीन 11 से 4 बजे तक का, 11 से 2 बजे के बीच में उन लोगों ने बोल दे सेड इफ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट देन यू हैव टू चेक इट ऑन वेंसडे. 11 से 4 बजे के बीच में स्लॉट्स ओपन होते हैं, और जो एम्बेसी ऑफ पोलैंड डज, जो अभी एम्बेसी है, कुछ एडिशनल स्लॉट्स वगैरह ऐसे प्रोवाइड नहीं कर रही, ईमेल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, और देर इज ओनली वन वे, यू हैव टू चेक द अपॉइंटमेंट ऑन VFS ग्लोबल वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है इसमें इसको आपको चेक करना पड़ेगा. बट अगर SOP के अकॉर्डिंग चलें तो वो लोग कह रहे हैं कि वेंसडे को एक ही दिन वो लोग स्लॉट ओपन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर वेंसडे को ही वो लोग स्लॉट्स ओपन कर देंगे. वंस इन अ वीक दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स, और अगर आप वर्क परमिट के लिए देख रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं कि मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे आप लोग अगर अपॉइंटमेंट चेक करते तो वर्थ रहेगा. दैट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, मनी तो नहीं कहूंगा, दैट वुड बी गोइंग, सो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो अभी तो थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा प्रोसेस के बारे में, अगर आप टाइम है तो वेंसडे को देखो, आप वेंसडे के दिन आप 11 से 4 बजे तक, अगर जैसा एम्बेसी कह रही इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो तो देखो क्या पता मिल भी सकते हैं स्लॉट्स. अदरवाइज अगर आप पूरे वीकली बेसिस पे चेक करते हो तो आई थिंक दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. मंडे आज लॉग इन करोगे, मेरे को लगता नहीं है स्लॉट्स वगैरह ये लोग आज रिलीज करेंगे, एंड देन मंडे ट्यूजडे वेंसडे को आप देखो, फिर थर्सडे फ्राइडे मेरे को लगता नहीं है उस दिन भी ये लोग स्लॉट्स ओपन करेंगे, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लोग रिलीज कर रहे हैं. और अगर अभी का देखा जाए, सो इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द वर्क वीज़ा, तो आप वेंसडे को चेक करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन अदर कैटेगरी, तो खैर उसके तो खैर स्लॉट्स कभी भी रिलीज हो जाते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू. अगर आप इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन तो स्टडी के तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट. दे आर रिलीजिंग द स्लॉट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और स्लॉट्स अवेलेबल हैं इफ यू आर गोइंग देयर ऑन स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन फ्रॉम नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन. इफ यू फ्रॉम साउथ, सो द पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट. अगर आप अभी देखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, अदरवाइज देखो अगर आपको टाइम नहीं है और आपको अर्जेंट बेसिस पे आना है, देन गो अहेड विद द पेड अपॉइंटमेंट, दैट इज ओनली फॉर द स्टडी कैटेगराइजेशन आई एम सेइंग, क्योंकि स्टडी का रेशियो उतना बुरा नहीं रहता. अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाता है, बट राइट नाउ द थिंग इज अभी अपॉइंटमेंट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो द एजेंट आर चार्जिंग अराउंड 1,10,000 टू 1,20,000, और इसमें भी स्कैम हो रहे हैं, पीपल आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट. अभी आधे एजेंट जो जेन्युइन वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो लोग अभी थोड़ा इसमें स्कैम भी कर दे रहे हैं, और आपका पैसा बर्बाद हो भी सकता है. तो बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे इसमें. सो इफ़ यू कैन वेट फॉर द मैनुअल अपॉइंटमेंट देन डू वन थिंग, मैनुअल अपॉइंटमेंट का आप वेट करो अगर आप पे टाइम है, अगर नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव वे आपका यही किया, अदरवाइज फिर जो आपका नेक्स्ट इनटेक है, नेक्स्ट इनटेक तक आप वेट कर सकते हैं. दैट वुड बी अ वाइज डिसीजन, अगर आप पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है, सबका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. और अगर मैं बताऊँ तो आई डो नॉट प्रमोट द पेड अपॉइंटमेंट, बिकॉज द पेड अपॉइंटमेंट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल, और
एजेंट से आप रीच आउट करो, कोई कोई एजेंट अभी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर भी रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया स्कैम ही चलता है पूरा VFS के प्रोसेस में, सो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने स्लॉट्स वगैरह रिलीज नहीं होते, बट स्टिल पीपल आर डूइंग द सबमिशन इन डिफरेंट VFS सेंटर्स, और आधे लोग जो अपना अपॉइंटमेंट परचेज करके सबमिट करते हैं वो भी स्कैम ही है काइंड ऑफ। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और VFS में सबमिशन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिला आपको भी बताइए। और जेन्युइन अगर मिल गया तो सही है, अदरवाइज इसमें ऐसा है कि जेन्युइन नहीं मिला तो फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, पैसा बर्बाद होता है, अपॉइंटमेंट का पैसा ज़्यादा जाएगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का पैसा भी जाता है, टाइम एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड मनी ऑन दिस प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेट कर सकता है तो दे कैन वेट, आई डो नॉट प्रमोट द पेड अपॉइंटमेंट एंड आई नीदर डील इन पेड अपॉइंटमेंट। तो आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो अपनी एम्बेसी वगैरह की वेबसाइट चेक करो, अदरवाइज आई डू वन थिंग, आई लॉग इन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू एंड विल लेट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। Today, if I'll talk about the site is working very slow. I'm trying to connect to this website from last 2 minutes. So it is still loading till now. So it can be a problem from my end as well. I think, मेरे को जितना पता network is, internet is working fine. I guess, अगर आप लोग को problem face नहीं हो रहा तो then you can check the slots or work visa वाले अगर आप slot अगर आप check करेंगे तो जैसे मैंने बताया work visa वाले आप अपना time बर्बाद मत करो। Embassy अगर कह रही है कि वो लोग Wednesday को अपने slots release करेंगे तो there are high chances of getting the appointment on Wednesday only. Otherwise, I think आपको थोड़ा wait ही करना पड़ जाएगा इसमें, that is not going to help you at all. और फिर आप just give me a moment, I'm checking. Today the problem is happening with this और OTP आनी रहा, so it's been more than 5 minutes I can say, और I was waiting for this thing. तो अभी देखो आज मेरा भी problem हो रहा है इसमें and I'm not able to log in. अगर आपका login हो पा रहा that is a good thing. और आई थिंक द पर्सन who are applying from India, they are not facing this kind of problem. और problem होता तो एक बार अपना VFS में call कर लो, otherwise I think अगर आपका internet वगैरह proper work करा तो you won't be facing this sort of issue. And the applicant who are not from India, they are from Nepal and still they are facing the problem of OTP. Get in touch with the VFS team, follow up again and again. So that is going to help them. और इसके बाद ही उनका appointment वगैरह book कर पाएंगे, और otherwise आपका login ही नहीं हो पाएगा. You will face this problem for upcoming for a longer period of time, I guess, because if I'll talk about VFS, nothing works in a systematic way. They usually take a lot of time in resolving any of the issue. Right now, so I had word with so many candidates. So they are saying that they got email from the VFS consulate that the problem is resolved now, but still they are facing the problem. They are not able to log in. So do one thing, if you are not getting the OTP, take the snagget of that particular thing. जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अभी यहाँ पे कुछ भी विजिबल अभी OTP नहीं आ रहा, तो डू वन थिंग, इसमें आप ऐसा करो कि इसका एक स्नैकेट लेके इसको अटैच करके उनको भेज दो और पूरा मेंशन करो यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर यूजिंग अ डिफरेंट एक्सटेंशन एंड यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम नेपाल, दैट्स वाई नेपाल और सम अदर लोकेशन, सो दैट्स वाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ योर कंट्री सो दैट यू कैन गेट द OTP, बट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड सो आफ्टर raising a lot of after raising the request a lot of time still you are facing the same problem, you can mention that thing. Otherwise give them a call. Call pe to mere ko lagta nahi resolution agar unko milega. Otherwise aap kya karo, jo embassy ki website hai, embassy maar ke email to the embassy as well aur cc mein apna VFS walon ko rakho, so there might be a possibility aapka problem resolve hoga, otherwise ye long term tak aapka problem persist karega. So right now I'm from India location and I'm using the Indian number and still I'm not getting the OTP. I think this is some glitch from the embassy website, embassy's end or I can say VFS ends. So agar aapka bhi problem face ho raha to ek upar hi email ID wagera un logon ne provide kari hai, mark an email to them info@info.poland@infovfshelpline.com. I think soon they are going to resolve the problem. Or if you are applying for the work permit, then check the slots on Wednesday, and if you are looking for other categorization, they can release the slots anytime. There is no fixed time for other categorization. They say Monday to Friday they are operational, 9 to 5 PM you can check the slots. Or so I think apart from south zone, every single person is getting the appointment in other categorization. So if I'll talk about the study visa, the north, the people who hails from north location, they are easily getting the appointment, and the person who are from south jurisdiction, they are facing a problem. So do one thing, so there are 3 ways I said, mark an email to the embassy, and the other thing is check the slots on this website, and the last option is paid appointment. But the paid appointment is just risky, that scams are also going on this in this particular thing. So if you can avoid that particular thing, so do
try booking the appointment through two different means. The first one is through this VFS website. The other one is through marking an email to the embassy. So there are a few candidates who got appointment through this email process. They marked an email to the embassy, and the embassy has released the slots and given them appointment through this email process. So it's up to you. Or इसके बाद देखो क्या होता है, एंड whenever I'll get updated regarding the process, then I'll post a video. और मेरे को लगता नहीं है इसके अलावा भी वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा है. सो आई डू वन थिंग, आई मेक अ वीडियो ऑन वेंसडे रिगार्डिंग द प्रोसेस वट इज़ गोइंग टू हैपन. और कल मेरे को लगता है नहीं कि वो परमिट के अंदर कुछ स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करेंगे. और वेंसडे को देखते हैं क्या होता है. अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई कीप यू पोस्टेड. थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे.